नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओ न्यूज। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। कैबिनेट विस्तार से पहले निशंक, हर्षवर्धन और बाबुल सुप्रियो समेत 11 मंत्रियों का इस्तीफा। जी हां, कैबिनेट विस्तार से पहले 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री देवोश्री चौधरी, उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा, श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, प्रताप सारंगी और रतन लाल कटारिया ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत मंगलवार को अपना इस्तीफा दे चुके हैं। दिलीप कुमार के निधन पर पीएम इमरान ने जताया दुख, कहा कभी नहीं भूला जा सकता है उनकी उदारता। जी हां, हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार के निधन पर देश के अलावा विदेश से भी शोक संदेश आ रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने महान नेता के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिलीप कुमार के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। मेरी पीढ़ी के लिए दिलीप कुमार सबसे महान और सबसे बहुमुखी अभिनेता थे। मैं उनकी उदारता को कभी नहीं भूल सकता। जब उन्होंने SKMTH परियोजना शुरू होने पर धन जुटाने में मदद करने के लिए अपना समय दिया था। दिलीप कुमार का जन्म 1922 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। उनकी बहुत सारी यादें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह मंत्री परिषद का नहीं सत्ता की भूख का विस्तार है। जी हां, केंद्रीय मंत्री परिषद में बुधवार की शाम को होने वाले फेरबदल व विस्तार से पहले कांग्रेस का एक बयान सामने आया है। पार्टी ने दावा किया है कि यह केंद्रीय कैबिनेट का नहीं बल्कि सत्ता की भूख का विस्तार है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर कामकाज और शासन को आधार बनाया जाए तो नरेंद्र मोदी और उनके कई मंत्रियों को पद से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह मंत्री परिषद का विस्तार नहीं सत्ता की भूख का विस्तार है। ट्रोलिंग से बचने के लिए यूजर्स अपने अकाउंट को कर सकेंगे हाइड, ट्विटर ला रहा है नया फीचर। जी हां, यूजर्स प्राइवेसी के लिए ट्विटर ने नया फीचर रोल आउट किया है जिसमें यूजर्स प्राइवेसी आइडिया और प्राइवेसी चेक इन फीचर शामिल है। नए अपडेट के जरिए यूजर अकाउंट को सर्च लिस्ट से हाइड कर सकेंगे। ट्रोलिंग का सामना करने वालों का इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। इससे यूजर्स के पास ये तय करने का अधिकार होगा कि उसे कौन डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है और कौन नहीं। इसके साथ ही कौन उसे फोटो टैग और रीपोस्ट कर सकता है। गूगल सर्च इंजन में होने जा रहे हैं कई बदलाव, मिल सकते हैं कस्टमाइज बैकग्राउंड और डार्क मोड जैसे फीचर। जी हां, गूगल सर्च प्लेटफॉर्म में बदलाव होने वाला है। गूगल के सेटिंग बटन में वेब सर्च का ऑप्शन दिया जाएगा। डार्क मोड फीचर मिल सकता है जिसकी लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी। इसके अलावा मोबाइल डिवाइस के सर्च बैकग्राउंड को बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा। 9 to 5 गूगल ने ये जानकारी दी है। गूगल सर्च सेटिंग के नीचे नए मेन्यू बार में सर्च सेटिंग, लैंग्वेज, सर्च हिस्ट्री जैसे फीचर्स मौजूद रहेंगे। अब सामने आया कोरोना वायरस का लेमडा वेरिएंट। जी हां, लेमडा वेरिएंट के नाम से कोरोना वायरस का अब एक और वेरिएंट सामने आया है। ये अब तक दुनिया के 30 देशों में फैल चुका है। हालांकि भारत में अब तक इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेमडा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफ़ी खतरनाक है। यूके में अब तक लेमडा स्ट्रेन के 6 मामलों का पता चला है। लेमडा वेरिएंट का पहला मामला पेरू में सामने आया था। निर्मला सीतारमण ने कहा, सहकारिता आंदोलन को मजबूती देगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना दिया है। इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। नया मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को सरल बनाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का काम करेगा। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यह नया मंत्रालय सरकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।